करोड़ रुपए, तो 2 करोड़ रुपए के साथ 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार लोग नहीं दे पाए रुपयों का हिसाब, तो पुलिस की तरफ से ये बड़ा बयान इस कार्रवाई के बाद। तो बता दें कि 2 करोड़ रुपए यहां से बरामद हुए हैं, साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पूछताछ में संतुष्ट जवाब जो है इन दोनों लोगों की तरफ से नहीं दिया गया, जिसके बाद लगातार पूछताछ यहां पर की जा रही है। तो बड़ी जानकारी रामपुर से, जहां रामपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 करोड़ रुपए यहां पर बरामद कार्रवाई के दौरान। ये सूचनाएं ऐसी चल रही थी कि कुछ हवाला के पैसे इधर उत्तराखंड से दिल्ली जाते हैं, तो ये सूचना थी हमारे इंस्पेक्टर को, उसके मुखबिर ने बताया हुआ होगा। तो ये लोग लगे थे, तो ये गाड़ी में कोई गाड़ी है या महिंद्रा की मजारियों क्या बोलते हैं, 2 करोड़ रुपए का हिसाब ये लोग दे नहीं पा रहे हैं कि कैसे लेके जा रहे हैं। इनका कहना है कोई पब्लिकेशन है दिल्ली का, इधर कोई स्कूल है, उसका पैसा वहां जा रहा था। इन्होंने ये भी बताया कि विगत 2 माह के अंदर 1 बार 2 करोड़ 1 बार 2 करोड़ 1 बार 1 करोड़ और इस बार 2 करोड़, 2, 2, 4, 1, 5, 7 करोड़ रुपए ले आ चुके। तो गैंगस्टर और माफिया के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। बदायूं में कुख्यात दीपक बजाज की 20 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया है। तो दीपक पर बक्सा व्यापारी की हत्या में शामिल होने का आरोप है। प्रतापगढ़ में एसपी जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई, तो इस मौके पर एसडीएम और सीओ भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। सोनभद्र में भी गैंगस्टर एक्ट के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हुई। यहां पर लक्ष्मी नारायण सिंह की 86 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया। तो कुर्की की कार्रवाई किस तरह से यहां पर की जा रही है ताबड़तोड़, वो आपको तस्वीरों के जरिए भी हम दिखा रहे हैं। तो बता दें कि पुलिस लगातार ऐसे जो अवैध तौर पर मान के गए हैं उन पर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे और बड़ी खबर अब मौसम के लिहाज से। तो बता दें यूपी में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो लखनऊ में जोरदार बारिश, वाराणसी में 10 साल बाद रिकॉर्ड बारिश यहां पर दर्ज की जा सकती है। तो वहीं साल 2015 में 103 किलोमीटर दर्ज की गई थी बारिश। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तो यहां पर जिस तरह से लगातार भीषण गर्मी से 2-4 लोगों को होना पड़ रहा है, राहत भरी खबर, लेकिन इसी के साथ चुनौती भी यहां पर, क्योंकि रेड अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। तो यूपी में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी हुआ है। तो बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले में बुधवार की सुबह आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत हुई। दोनों मृतक तुरसिया गांव के निवासी हैं। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने कहा है कि तत्काल आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। तो वहीं फतेहपुर जिले में बीते 24 घंटे में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से अलग अलग थाना क्षेत्रों में 5 लोगों की मौत हो गई। आकाशीय बिजली की चपेट में आने वाले सभी अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। वहीं जिला प्रशासन ने आकाशीय बिजली से मारे गए लोगों को दैवीय आपदा राहत कोष के तहत मुआवजा देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात ग्रेटर नोएडा की। यहां पर देश का सबसे बड़ा एमआरओ बनेगा, यहां विदेशी जहाजों की मरम्मत होगी। तो यूपी सरकार ने एमआरओ पॉलिसी को मंजूरी दी है। बता दें कि इस प्रोजेक्ट में करीब 80,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इससे 50 से 60 हजार लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो बता दें कि हर साल देश के एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस के नाम पर विदेशों में 15,000 करोड़ रुपए जाता है। उत्तर प्रदेश की एमआरओ पॉलिसी अब सभी राज्यों से बेहतर बताई जा रही है और एक एमआरओ जेवर एयरपोर्ट के अंदर 1,334 एकड़ में तैयार होगा, जो कि जेवर एयरपोर्ट के साथ साथ शुरू होगा, जबकि दूसरा एमआरओ के 1,365 एकड़ में तैयार किया जाएगा। तो यूपी कैबिनेट की मुहर के बाद अब यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने निर्माण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। एमआरओ निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण का काम जल्द शुरू किया जाएगा।
एयरक्राफ्ट की सर्विस को लेकर देश का 1000 करोड़ से 1500 करोड़ तक का पैसा जो विदेशों में जाया करता था वो अब उत्तर प्रदेश में आएगा, उसको लेकर यूपी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के तहत यमुना अथॉरिटी के क्षेत्र में एमआरओ डेवलप किए जाएंगे दो। एक एमआरओ जेवर एयरपोर्ट के अंदर होगा, दूसरा एमआरओ अलग से बाहर बनाया जाएगा। दोनों एमआरओ को डेवलप करने में करीब 80,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इस निवेश के साथ साथ देश ही नहीं बल्कि बाहर से आने वाले एयरक्राफ्ट की भी सर्विसिंग, उसका मेंटेनेंस यहां किया जा सकेगा। प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि इसके निर्माण में जहां 80,000 करोड़ के आसपास लगेंगे वहीं 50 से 60,000 लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। बड़े इमारतों की अभी जरूरत यहाँ महसूस हो रही थी, अभी जो है हैदराबाद और बंगलोर में बहुत छोटे स्तर पर रिपेयर की सुविधा एमआरओ की उपलब्ध है, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। तो उम्मीद की जाती है कि जब ये दोनों फैसिलिटीज आ जाएंगी तो इसमें कम से कम 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का टोटल निवेश होगा और लगभग 50 से 60 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। एमआरओ का निर्माण होने के बाद देश में अभी जो जहाज हैं उनकी सर्विस यहां पर हो पाएगी और आने वाले समय में जो 1000 एयरक्राफ्ट और आने वाले हैं उनकी भी सर्विसिंग यहां पर होगी, तो उत्तर प्रदेश को एक बड़ा मुनाफा होगा। और जितने भी राज्यों में अभी तक एमआरओ चल रहे हैं उन सबकी पॉलिसी देखने के बाद सबसे बेहतर पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।